छोटकी खरगडीहा में नल जल योजना के संवेदक द्वारा पानी निकासी का रास्ता बाधित कर देने से रास्ते की सूरत बिगड़ गई है। मंगलवार को ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। जल जमाव होने से मुख्य रास्ता कीचड़मय बना हुआ है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने संवेदक से रास्ते का मिट्टी हटाने का आग्रह भी किया, लेकिन संवेदक द्वारा रास्ता में भरा हुआ मिट्टी नहीं हटा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। छुटकी खरगडीहा के संतोष कुमार, शंकर मोदी, हरेलाल वर्मा और धनेश्वर पंडित ने कहा कि नल जल के संवेदक मनमानी पर उतर गए हैं। पाइपलाइन के कार्य में उनकी मर्जी चल रही है, आमजनों की सुविधा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कहा, पाइपलाइन के लिए गड्ढा खुदाई के दौरान मुख्य रास्ता में मिट्टी डालकर छोड़ दिया है, जिससे पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है। फलस्वरूप रास्ता में जल जमाव होने मिट्टी गीली होकर कीचड़मय हो गया, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रहा है। ग्रामीणों ने छोटकी खरगडीहा के नल जल संवेदक को चेतावनी दिया है, कहा कि रास्ता से मिट्टी अविलंब हटा दे, अन्यथा बाध्य होकर संवेदक के खिलाफ ग्रामीण गोल बंद होंगे और रास्ता साफ नहीं करने तक किसी प्रकार के कार्य करने पर रोक दिया जाएगा। इसके लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। खुद को दे एक सुनहरा मौका, शामिल हो फोनेटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट में, जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और तकनीकी अंग्रेजी का प्रमुख संस्थान, जहां डॉक्टर अतुल की विशेष मार्गदर्शन में आपके सपनों को मिलेगी नई उड़ान। यहां आपको मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश का ज्ञान, साथ ही IELTS, TOEFL, JPSC, SSC, CGL, NDA, CDS, GRE, GMAT, CLAT, LSAT, MBA, FCAT और बैंक PO जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की अंग्रेजी की तैयारी करने का सुनहरा अवसर। यहाँ स्टूडेंट्स की सफलता को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षों के अनुभवी IITN के प्रशिक्षक द्वारा मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट ली जाती है, साथ ही 3 दिनों के लिए डेमो क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है। फोनेटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट में वकील और जज के लिए स्पेशल इंग्लिश क्लासेस भी दी जाती है, तो देर किस बात की, जल्द नामांकन करवाएं और बेहद कम दिनों में अपने आप को सफल बनाएं। हमारा पता 5th फ्लोर फोनेटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस अपोजिट गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, हर्ष प्लाजा, बरगंडा रोड, गिरिडीह, झारखंड।